फ्रेंड्स मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सूर्यवंशी क्या 300 करोड़ कमाएगी या नहीं, ये सवाल हर जगह लोगों के मन में है। और मेरे साथ मौजूद है सवाल का जवाब देने के लिए एकदम सही शख्स अशोक सर, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे दर्शक को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से जो भी है उनको हार्दिक बधाई है। ये मूवी जो है अक्षय कुमार की नई आने वाली है और सबसे बड़ी मूवी है, उसके लिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग तैयार रहिए धमाके के साथ। जो अक्षय कुमार जो है भले 2 महीने बाद आएंगे और मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में आएंगे, उनके मूवी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही चाहूंगा कि हर लोग जो है तैयार रहें और ये मूवी जो है मैं ये सवाल इस सर से आपसे है, मान सकता है कोई फिल्म आ रही है, आसपास कोई क्लैश भी नहीं है, होली के आसपास आ रही फिल्म है, और अक्षय कुमार की फिल्म ने पिछले 1 सालों में ऐसा कुछ कर दिया है कि लोगों की बोलती बंद हो गई है। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि 100-150 करोड़ जाती है, ये उनकी फिल्म 200-200 करोड़ जाती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है फैंस के मन में, अक्षय कुमार के फैंस के मन में, कि 300 करोड़ क्या जाएगी क्या। मैं सीधा सीधा सवाल आपसे, देखिए पहली बात यह है कि जब 27 तारीख को सर ने डिसाइड किया, जब ये मूवी गुड न्यूज आ चुकी थी, तो मेरे मन में भी बहुत से ऐसे ख्याल उग गए थे जिसकी वजह से मैं कुछ मतलब पब्लिक के अंदर मतलब ये चाहना डर का, क्योंकि कुछ पब्लिक जो है बाहर गई थी और मैं डर रहा था कि ये मूवी अगर 200 करोड़ नहीं हुई तो अपने जो अक्षय कुमार की लास्ट में जो है बहुत कम मूवी बिजनेस करेगी, इसके वजह से मैं बहुत डरा था। और कुछ ऐसी भी बातें मैं पब्लिक के सामने रख दिया था कि जो भी पब्लिक जो बाहर गई है वो अक्षय कुमार की मूवी को जो है मतलब 200 करोड़ करने में मदद करे, ऐसी बोली थी। और कुछ ऐसी बात मैं बोल दिया था कि इन्होंने गलती कर दिया, तो उसके वजह से मेरे को कुछ पब्लिक लोगों ने गलत बोला, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। आपसे ज्यादा मैं फैन हूँ ऐसा कुछ नहीं अक्षय कुमार का, मैं खुद ही चाहता हूँ कि उनकी मूवी जो है 300 करोड़ के आसपास हो, जो कि आज तक उनकी मूवी जो है कोई 300 करोड़ गई नहीं है। जो कि एक मूवी आई थी रजनीकांत के साथ तो उसमें थी, तो वो गई थी, तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो साउथ की मूवी थी, तभी भी जो है अपने अक्षय कुमार ही खड़े उतरे थे, अक्षय कुमार नहीं रहते थे तो वो रजनीकांत की मूवी जो है उतनी वो कलेक्शन नहीं करती थी। क्योंकि ये जो दरबार मूवी आई थी उसमें ही हमें पता चल गया कि जो है अक्षय कुमार के होने की वजह से 2-0 जो है अच्छी अच्छी खासी चली, तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि अपने सुपर स्टार है। अब रह गए हम लोग जो है बात करेंगे ये जो मूवी जो सूर्यवंशी आने वाली है, दो बड़े स्टार भी है, नहीं देखिए उसके ऊपर ही मैं आपको इसमें ही टॉपिक पे बात करूंगा। ये जो मूवी जो है ये जो भी है सूर्यवंशी, जो इसके अंदर 3 स्टार जो है एक साथ है, जो अपने सबसे बड़े सुपर स्टार जो है ये साल के भी बड़े स्टार उभर के आएंगे, क्योंकि गारंटी है। और जो है अजय देवगन भी है जो दूसरे स्टार है, और ये उभरते हुए स्टार है जो रणवीर सिंह, जो कि तीनों जो है एक जगह पे आए हुए हैं। तो ये मूवी जो है कम से कम नहीं कुछ हो तो अब जो है अजय देवगन की जब ये मूवी के बाद जो है वो एक दूसरी मूवी जो होगी जो 300 करोड़ के क्रॉस करके वो मूवी जो है पहली मूवी बन जाएगी अक्षय कुमार की सबसे बड़ी मूवी होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। क्योंकि सिम्बा ने भी जब साथ में आए थे तीनों स्टार, सिम्बा में भी साथ में आए थे, सिम्बा में 250 करोड़ कमाई थी, ये जो 300, सिम्बा में जो है रणवीर जो है पूरे स्टार थे उसके अंदर और पूरा उन्होंने काम किया था, और रह गई उसके अंदर अक्षय कुमार की और अजय देवगन, ये दोनों जो है थोड़ा बहुत काम किए थे, मेहमान कलाकार के तौर पे थे, तभी भी वो मूवी जो है सिर्फ इतने ही मतलब उनका जो है टेलर था उसके अंदर तो 200 करोड़ गई। तो आप ये सोचो कि ये सूर्यवंशी आ रही है, जब ये तीनों काम कर रहे हैं तो क्या नजारा होगा। नजारा यही होगा कि ये मूवी जो है मुझे दिख रही है 300 करोड़ के क्रॉस होते हुए, चलो क्रॉस हो जाएगी। और ये जो है हो सकता है कि अक्षय कुमार की जो है पहली ये हाँ, जो पहली मूवी जो है मेरे ख्याल से 300 करोड़ क्रॉस दिखेगी, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि जो है ये 300 करोड़ पार हो जाएगी। जैसे कि सर ने कहा 300 करोड़ जाएगी, और जब फिल्म सच में 300 करोड़ जाएगी तो आप याद रखना ये बात सबसे पहले किसने कही थी, अशोक सर ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।